पुलिस आ गया सिस्टम है पुलिस इतना क्राउड हो गया भाई। आज हम लोग डायरेक्टली मतलब गुवाहाटी जा सकता था, ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 380 किलोमीटर है, लेकिन गुरुंगदा ने बोला तो नया बाइक लाना है, लाया तो अब मेरे घर से होते हुए जाना है। अगर आप लोग ने पिछला वीडियो देखा है तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा हम लोग। नमस्कार, सभी को स्वागत है और एक नई वीडियो में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जलपाईगुड़ी। यस, सुबह पहुंच गया यहाँ पे 4:30 को, जलपाईगुड़ी में पहुंच गया। और हम लोग कहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, गोल्डन पैलेस रिजॉर्ट। ये आपका ओपन एरिया, ये आपका हॉल, उस तरफ किचन है और आगे रूम जहाँ पे हम लोग था, जहाँ पे हम लोग है था जो भी हो। तो यहाँ का किराया आपका 1500 रुपया, और 1500 रुपया हिसाब से आपका रूम का क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये सौरभ भाई जो सिलीगुड़ी का है, सौरभ भाई ने बुक करके रख दिया था। और सौरभ भाई रात को हम लोग 4:30 बजे आया ना सुबह, और 4:30 बजे रुका है यहाँ पे। अब सोचिए कोई अनजान शहर में 4:30 बजे तक हम लोग के लिए रुका है। हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे आएंगे, पूरा फ़ोन में बात करते रहा। बाद में हम लोग पहुँचे, फ़ोन कर दिया, यहाँ पे आ गया। सौरभ भाई को थैंक यू दिल से एक बार। और यहाँ से हम लोग जाएंगे कोकराझार। कोकराझार यहाँ से आपका 155 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटा लग जाएगा, पहुँच जाएंगे गुरुंगदा के घर में। इस तरफ आपका हॉल एरिया, ओपन स्पेस, इस तरफ किचन, वो आगे किचन है और रूम इस तरफ है। तो बढ़िया से अभी फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद निकलते हैं कोकराझार के लिए। मतलब मेरा वीडियो आपका सुबह का 6 बजे मतलब कंप्लीट हो गया एडिटिंग, लेकिन अपलोड में लगा अभी तक नहीं हो रहा है, अभी तक अपलोड नहीं हो रहा है, जो नेटवर्क घटिया नेटवर्क है ना यहाँ पे। ये चीज़ सही है, लेकिन अब एक बार में 5-7 हज़ार रुपये में खरीद लीजिए, पानी रख दीजिए और गाड़ी चलते रहिए। एक गाड़ी होने का आपका कितना लेगा, 100 रुपया पकड़ लीजिए, इसका 5,000। आपका घर आपका अगर घर में 2-3 गाड़ी है तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा। घर में यूज़ के लिए बेस्ट है ना, पानी भी ज़्यादा नहीं लगता है। कितना लगा, हाथ से 3 बाल्टी पानी से हो जाएगा और आपको मिलेगा 100 रुपया। और एक जगह लेके आप बढ़िया से बिजनेस कर सकते हैं ये वाला। मेरे को लगता है मैं हर एक चीज में बिजनेस निकाल रहा हूँ। उस दिन सरोजनी का उसमें बिजनेस निकाला, आज यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकाला। बिजनेस में वीडियो डालू क्या आसामिस में, तो क्या क्या बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस कैसे करें। देखिए आप पकड़ लीजिए, इसका इन्वेस्टमेंट 5-6 हज़ार रुपया मैक्सिमम, और आपका एक सिर्फ दुकान लेना है, दुकान नहीं लेने से भी हो जाएगा, और एक टंकी बैठा दीजिए हो जाएगा। ये मतलब मस्त है, लेकिन आइडिया तो कोई अगर करने से कर सकते ये वाला चीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये वाला सीन बढ़िया है। बड़ा कारोबार सेंटर खोल के फ़ायदा नहीं, छोटा से हो जाएगा। ये मशीन उसे पानी पाइप डाल दिया ख़त्म। अब देखिए ना, शैम्पू मारने के लिए भी हाथ यूज़ नहीं कर रहा है, फिर पोछा मारेगा उस टाइम में हाथ चाहिए, बाकी सब ऑटोमेटिक हो गया। एक गाड़ी का धुलाई हो गया ये वाला, और इसमें क्या फंसा है, पता नहीं, जो भी हो अंदर अंदर रहने दो, उसको बाद में निकालेंगे, बाद में रिवील करेंगे इसको, बाद में देखेंगे इसको। इसको भी आसाम लेके डेड बॉडी 900 के पास रोक देना। थोड़ा सा धीरे धीरे मारो, और थोड़ा 1000 करो। फुल लोड इसको खिला लिया, आप खाओ ना खाओ गाड़ी को खिलाना पड़ेगा, नहीं तो बैन बच जाएगा। उस दिन जैसा एक्सप्रेस वे में क्या हुआ, फंसने वाला था, मतलब 7 दिन महादेव इसलिए बच गया। 100 स्पीड में आपका मोटो व्लॉग होगा कि नहीं पता नहीं, पर कोशिश जारी है। पीछे भगाओ, तो बीएम इतना खींचता है ना, बीएमडब्ल्यू इसका क्या मतलब, केटीएम से क्या होगा आप सोचिए तो। बीएम इतना भगा रहा है ना, केटीएम से क्या होगा। बीएम 130-120 चला जाता है, ये कहाँ जाएगा भाई इसको, मतलब ये मतलब क्या होता है, पानी के जैसा तेल पीता है। अब उसको भगाएंगे, और इसका और उसका बहुत डिफरेंस है, उसका रेंज में इसका 10 आ जाएगा, ये बात है डिफरेंस। कल रात को अच्छा सोया ही नहीं भाई, 5 बजे आया, फिर एडिट किया, एडिट करने के बाद सोया, 11 बजे उठ गया, उठने के बाद रेडी होते होते 12 बज गया, गाड़ी सर्विसिंग करके निकला, अभी 2 बज रहा है। फाइनली आसाम पहुंच जाएंगे थोड़ी ही देर बाद आसाम एंटर करेंगे हम लोग। बंगाल और आसाम के बीच में है ये रास्ता, मेरे को बहुत पसंद आता। लास्ट टाइम जब केदारनाथ ये मतलब टूट गया, लास्ट टाइम जब केदारनाथ राइड किया था ना, ये रास्ता मेरे को बहुत जमा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, ठंडा लगता है थोड़ा, मतलब पेड़ पौधे बहुत है ना, अच्छा लगता है। ओ भाई
झूला झूला भाई, ये कुछ नहीं दिख रहा है। ये ब्रिज कब बनेगा भाई? हालत देखे ना, झूला देखे, मैं तो सर काला काला हो गया यार। आने से पहले कौन सा गोरा था? फाइनली हम लोग बॉर्डर पहुंच गया। ये आपका बंगाल और असम का बॉर्डर, श्रीरामपुर बॉर्डर। सब सामान यहीं से आपका चेक होके जाएंगे असम के अंदर। तो ट्रक में लोड हो जो जो सामान है आपका चेक होगा, पर्ची उर्ची चेक होगा, सही है कि नहीं, वजन चेक होगा, सब चेक होने के बाद असम के अंदर एंट्री करने देगा सब। सब कुछ सही है कि नहीं, उसके बाद असम के अंदर एंट्री, और असम से अगर जा रहा है बंगाल की तरफ तो बंगाल की तरफ एंट्री, चेक पोस्ट श्रीरामपुर गेट। ओ देखा, वाह भाई मेरे, चलो जल्दी पास आ गया क्या? खत्म, टाटा बाय बाय। ओ नमस्ते, ठीक है सर? ठीक है सर। हाँ अरे हेलो, बहुत दिन हो गए 1000 किलोमीटर। ओ आई नो की बात है। ए भाई देख सर नहीं दादा की तरफ से ढोल, वाह नवा नवा ऑफ कोडवा मु फोन तो कर। आयुब नमस्कार, बढ़िया, वेलकम टू असम। सब हेल्प हो जाए, पोस्टर सही लगा आपने, आपको आपने आप बनाया ना, हमको पता है, हमको बोला था, बढ़िया लगा ना? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। धन्यवाद। কেমন? খুব ভালো, মিষ্টি দই। খুব ভালো। কেমন? খুব ভালো, মিষ্টি দই। জিন্তু ভাই লগ পাই গেল, এটা ধামাকা হবে, ধামাকা হবে এটা। গাড়ি দেখেন পোস্টার। আয়ুব নমস্তে। ঐ ডেকা, এইটো খোৱা, গম পাইছে কিয় খুৱাইছো? ৰাতি হৈছে না, একো খাব পোৱা নাই। গ্ৰেণ্ড ৱেলকাম টু আসাম, BMW কলে কি গ্ৰেণ্ড ৱেলকাম হ'ৰে আসাম মে। বাই 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 বাই। পুলিচ আ গিয়া, सिस्टम है वो पुलिस, इतना क्राउड हो गया भाई। ओह फाइनली पहुंच गया गुरुंदा के घर। यस अभी हम लोग आज हम लोग रहेंगे गुरुंदा के घर में, मतलब कोकराझार में। और गुरुंदा के घर का जो टॉप फ्लोर है वहीं पे हम लोग हैं। यहाँ पे दो आदमी, फिर उस तरफ भी रूम है, ये आपका वाशरूम है, पूरा सेटअप रेडी है। जो मतलब आइए और रहिए, पूरा एंजॉय करिए। ये है गुरुंदा जंक्शन। ये जो नाम रखा है गुरुंदा जंक्शन क्यों? वो ये देखो भाई, बैठिए बैठिए। हाँ आपका ही घर है, आपका ही जंक्शन है, बताइए। ये एक भैया है पटना जंक्शन। हाँ जी जी जी, पटना जंक्शन, गुरुंदा जंक्शन। ये तो भाई आप लोग जैसा भैया वो है, एक मेरा छोटा भैया है बंगाईगांव वाला, बंगाईगांव टाइम्स का शायद वो जर्नलिस्ट है भाई, जो भी हो उन्होंने ये बना के भेजा है। वो भी इधर पे ठहरा था रात को, तो हाँ और वीडियो देखते है सारा भैया जैसा ट्रेवलर लोग यूट्यूबर लोग इधर में आके होल्ड करते हैं, तो इसलिए वो खुद बना के मुझे दिया, मैंने नहीं बनाया कि दादा ये जंक्शन है। कारण कोई ट्रेवलर कोई लद्दाख से आएंगे, कोई जयपुर से आएंगे, कोई गुवाहाटी से, तो आके इधर पे वन नाइट स्टे करते हैं। क्योंकि आप लोग अभी लास्ट नाइट सिलीगुड़ी से आए ना, तो इधर मिड पॉइंट है, आप लोग को अभी गुवाहाटी पहुँचते पहुँचते 2 बज जाएगा, तो इधर में होल्ड करते हैं। वही है मेरा मकसद, वही है गुरुंदा मकसद, वही है। एप्रोप्रिएट नाम भी दिया होगा शायद ना, नाम एकदम सॉलिड गुरुंदा जंक्शन, नाम भी लगे इसीलिए जंक्शन जो रेलवे स्टेशन रहता है सब लोग पूरा कनेक्टिविटी, देखिए आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं ना आपको बहुत ईजी हो जाएगा, वही चीज़ है पूरा सब कुछ फैसिलिटी है। आपको फैन चाहिए आपका, बिस्तर का कमी नहीं है, और एक लगा देगा वहाँ बाहर है उधर है, बिस्तर का कमी नहीं है।
हॉस्पिटल पे कुछ नहीं है, अपना घर समझ के बस खुद करके खाना होगा, अभी खुद पकाना होगा और बनाएंगे, कोई बात नहीं, बढ़िया।